क्या समलैंगिक होना और हिंदू होना ठीक है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में हिंदुइज्म जो डाइवर्सिटी की बात करती है, विधि की बात है, इज़ मिसिंग। जैनिज्म जो अनेकांतवाद की बात करता है दैट इज मिसिंग वैल्यूज ऑफ कंपैशन करुणा जो बुद्धिज्म की है दैट इज ऑल्सो मिसिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी तो क्लिटी सेक्ष, के बारे में पता चलता है अराउंड है, है ये वेस्टर्न इन्फ्लुस है आजकल के बच्चे बहुत नेटफ्लिक्स देखते है okay. एक एल जीबी कैरेक्टर आपको दिख जाएगा राइट और उनको देखने के बाद वो गेटर्न हो जाता है एज अ चाइल्ड वॉचिंग शक्तिवान and Shakti Man uh, meditating in the form of Gangadhar when he was, he was shown shirtless, uh -huh. I had some kind of attraction towards it. Government is saying I cannot have a joint bank account. Government is saying that I cannot have a joint insurance. Government is saying I cannot have a hospital visitation right. Government is saying that I cannot transfer my property to my partner who happens to be from the same gender without making a will, right? Because my relationship with my partner who happens to be from the same gender is not recognised. नमस्ते और आपका स्वागत है आंवीक्षी पॉडकास्ट के थर्ड एपिसोड में हमने अभी तक सिर्फ तीन एपिसोड किए हैं बट मुझे बहुत ही लकी फील हो रहा है आपके सामने लाने के लिए अंकित भुप्टानी जी को अंकित भुप्टानी एक एल एक्टिविस्ट है और एक क्वियर हिंदू अलायंस नाम की संस्था चलाते हैं एक और चीज़ जो अंकित जी बहुत ही खूबी से ला रहे हैं वो है कि एल जी बी टी क्यू यूजअली अपने आप को बहुत ही डिसकनेक्टेड पाता है इंडिक विंग से इस्पेशली हिंदुज़म से क्योंकि लेफ़्ट ने ही इनके सारी एम्पावरमेंट के लिए काम किया था बट अभी ये एक टूल बन चुके हैं लेफ़्ट का टारगेट करने के लिए फॉर एंटी इंडिया एलिमेंट्स हमने ये वीडियो में एल जी बी टी क्यू के बारे में बहुत ही अंदर से जानने की कोशिश की कि उनके बेसिक्स क्या हैं उनके सारे जो अंश है एल जी बी टी ये सारी चीज़ है क्या उसको समझने की बहुत ही कोशिश करी है और फाइनली हमने ये भी डिस्कस किया है कि इंडिया के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए जैसे अभी एक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर गवर्नमेंट वर्सेस एलजीबीटी कम्युनिटी का एक के केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में चालू है प्लस जो हमारे सीजीआई है चंद्रचूत जी उन्होंने वुमेन का कोई अजीब सा डेफिनेशन दिया था सो so, नेक्स्ट एक घंटे के लिए अपना पूरा ध्यान इस पर लगाइए क्योंकि आपको एल के बारे में बहुत कुछ समझने मिलने वाला है इसके बाद आपको इनके फॉर या अगेंस्ट में जो भी ओपिनियन बनानी है उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिल चुकी होगी और यही समझ के साथ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो थैंक यू सो मच नमस्ते अंकित जी नमस्ते सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आंवेक्षी पॉडकास्ट थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम अगेन क्योंकि पहले अटेम्प्ट में वी आई हैड फैमिली इमरजेंसी तो वो मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया था कैसा लग रहा है आपको इधर आके आई एम सो हैप्पी टू बी हियर फाइनली यस फाइनली यस सो अंकित जी इज एन ओपनली गे पर्सन एंड ही रन्स क्यूर हिंदू अलायंस इससे ज़्यादा आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड ऑल्सो क्यू क्या है एंड वॉट एल्स दे डू एंड धीरे धीरे आगे मैं पूछूंगा और चीज़ श्योर सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल नमस्ते टू यू नमस्ते टू ऑल योर ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू बी बीयर जैसे कि आपने मेरे बारे में कहा कि मैं एक समलैंगिक हूँ um, और uh, समलैंगिक होने के अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ सो आई एम ए सी एस आर प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर कहा जाता है तो मैं कई सारी कंपनी उसको उनके सी एस आर एस्पेक्ट में हेल्प करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग सेकेंड थिंग आई डू इज़ आई एम ए डी ए आई कंसल्टेंट जो डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूशन है इस संबंध के ऊपर अभी मैं कई सारी कंपनी उसको हेल्प करता हूँ इन द डी आई जर्नी Uh, apart from that, uh, I have some interest uh, within uh, diplomacy and international relations. This I opportunities to UN UN, to address UN Human Rights Council in Geneva. That involved some of the work of getting to work towards certain resolutions, which was specifically on LGBT conversation. But after that, once I got that experience and exposure and then I helped... फ्यू कंट्रीज़ इन गेटिंग देअर्स रेजोल्यूशन पास्ट विच विच वॉज अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस सो आई कंटिन्यू टू डू दैट सो अब जो है मैं बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं यू एन के जो ऑर्गन में चाहे यू एन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो यू एन सिक्योरिटी काउंसिल हो वर्ल्ड बैंक हो इत्यादि इत्यादि तो उसमें जो सिविल सोसाइटी पार्ट है उसका भी मैं सहभागी हूँ तो ऐसी कई सारी चीज़ें मैं करता हूँ बट uh, uh, जैसे आपने कहा कि मैं फाउंडर हूँ कुएर हिंदू अलायंस का yes. जी तो कुर हिंदू अलायंस एक uh, संस्था है जो एल समुदाय और उनके मुद्दों को भारतीय तत्व दर्शन से जोड़ती है और इसका स्टार्ट करने का मुख्य कारण ये था कि जब भी मैंने अपने आप को बचपन में समलैंगिक के तौर पे पाया तभी मुझे ये प्रश्न हुआ कि क्या मेरा धर्म क्या मेरी आस्था मेरा स्वीकार करता है कि नहीं करती Okay. और इस सवाल के जवाब को ढूंढने में मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-12 साल पहले की आ, मुझे कोई रेडी आंसर नहीं मिला क्योंकि ऐसी कोई संस्था नहीं थी ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं समलैंगिकता और हिंदू तत्व दर्शन या हिंदू दर्शन को जोड़ के देख सकूं और उसको समझ सकूं और तभी मुझे लगा करके कि एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो लैंगिकता और एल आइडेंटिटीज की बात करें तभी मुझे पता चला एक अमेरिकन संस्था के बारे में जिसका नाम है गे एंड लेसबियन वैष्णवा एसोसिएशन ओके okay. जी जिसकी स्थापना की थी एक अमेरिकन पर्सन ने अमरा दास विलियम जो इसकॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस और जैसे पॉपुलरली हरे कृष्णा मूवमेंट जिसे कहा जाता है right. जो शीला जी ने शुरू की थी उनके अनुयायी थे अमेरिकन पर्सन थे और वो स्वयं एक समलैंगिक है और उन्होंने इस संस्था की स्थापना की तो मेरे को उनके बारे में पता चला और उनको मैंने निवेदन किया कि क्या मैं आपकी ही संस्था की एक मुंबई में ब्रांच खोल सकता हूँ तो उन्होंने मुझे अनुमति दी और गेन एन वैष्णव एसोसिएशन मुंबई की स्थापना हुई right. और मैं बात कर रहा हूँ ये दो की ओके okay. तो उसके बाद हमने कुछ काम किया और 2010 के बाद जब भी उसकी स्थापना हुई हमने दो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस किए जहाँ पे हमने अलग अलग धर्म गुरुओं को बुलाया और जिनके ओपिनियन ऑन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में उनको बोलने के लिए कहा उसके अलावा हमने कम्युनिटी को सपोर्ट ग्रुप करने के लिए अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए इत्यादि इत्यादि इट वॉज़ वेरी स्मॉल ग्रुप सपोर्ट ग्रुप विच वॉज़ वर्किंग हावे वर वॉट आई डिस्कवर दैट

प्राइमरीली फॉर थ्री रीजन सो कुर हिंदू अलायंस के तीन मुख्य उद्देश्य हैं पहला कि हम जो है uh, वो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं बिटवीन एल जी बी टी राइट्स एंड हिंदुज़्मीबडी हुए क्वेश्चन अराउंड क्या समलैंगिक होना और हिंदू होना ठीक है अगर आपको ऐसे प्रश्न है तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रिप्चुरल पॉइंट ऑफ व्यू कई बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जहाँ पे बच्चों ने तो अपने आपको स्वीकार कर लिया है लेकिन उनके पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को ये प्रश्न होते हैं कि क्या मेरा बेटा पापी है राइट दर टिपिकल क्वेश्चन राइट इज इट डायरेक्टली एक Thing तरीके से yeah. देखा जाता है राइट सो वी वी हेल्प कुयर पीपल एंड दर फैमिलीज हु विद क्वेश्चन ऑन होमोसेक्चुअलिटी और कुएरनेस एंड हिंदुइज्म सो दट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुएर हिंदू अलायस इज टू सपोर्ट द एजूबी कम्युनिटी मे बी इन द नीड ऑफ सम काइंड ऑफ हेल्प So, for an example, during the time of COVID, uh, there are so many Koya people who lo lost their job, who would be coming from a smaller towns and villages to the city, and they would be doing their entry-level jobs like in the right. malls and things like that. And COVID lockdowns suddenly the livelihood was taken away from them, so supporting them financially and things like that. Or for an example, very recently during the Delhi flood and uh, flood in the Yamuna yeah. uh, uh again we helped out with our various seva projects. So doing some kind of seva projects for queer community irrespective of the religion from queer hindu alliance uh, is the second objective uh, addressing the crisis need the third part is that as lgbt movement in india grows the diversity and intersectionalities between the lgbt community are coming to the forefront so there are support groups or groups which talks about queer muslim identity there are groups which talks about queer Christian identity. There are groups which talks about queer Dalit identities, right? right. Uh, which are wonderful. I welcome all of those conversations. At the same time, there is no space uh, which talks about queer Hindu identity. And uh, that's why queer Hindu Alliance. So when a time and a need is there for a queer Hindu voice to talk collectively, queer Hindu Alliance can be one of those platforms. So these are the primarily three reasons why queer Hindu Alliance exists. ब्रिलियंट लाइक like, uh, ये ऐसी एक संस्था की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत एक एल जी पी टी कम्यूनिटी में डेफिनेटली थी बिकॉज बहुत ही ईजीली वी सी कोई भी एल जी बी टी से थोड़ा भी सद्भावना भी रखता हो चाहे वो बिलोंग नहीं करता हो वो लेफ़्ट की तरफ ड्रा हो जाता है तो एक तरीके से और आजकल लेफ़्ट थोड़ा सा हिंदू के अगेंस्ट है इसलिए ये अच्छी एक तरीका है कि अपने आप से जानो एक्सप्लोर करो एंड देन मेक अ डिसीजन वेयर डू यू वॉन्ट टू गोट सो आई रियली अप्रिशिएट एंड अपलॉड यू फॉर योर एफर्ट्स सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट थैंक यू सो आज का जो हम हमारा एपिसोड है ये एल जी बी टी क्यू वन ओ वन मेरे मन में था इसको बोलना क्योंकि एल जी बी टी का जो एक एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसको एक बेस लेवल पे समझना क्योंकि लाइक इट और नॉट दे एग्जिस्ट राइट और वो एग्जिस्ट करते हैं वो अगर आपको हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको उनको जीने का हक उत, उतना ही देना चाहिए इनफैक्ट ये हक भी हमारा हमारा है ही नहीं देने का सो uh, so, ये जो एक uh, जंग लड़ छिड़ी uh, है बेसिकली ये जंग होनी नहीं चाहिए थी बट uh, ये बेस लेवल पे हम जाना चाहते हैं आज mm -hmm. कि ये क्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट या ये एपिसोड से लोग समझ पाए कि एल जी बी टी क्यू एस्पेश इंडियन लोग जी एंड स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ जेनजी एंड मिलेनल्स बिकॉज दीज टू जनरेशन्स आर सींग मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ अवेयरनेस अबाउट एल जी बिल टी क्यू तो उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं इसकी जानकारी लेने में जी तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा ये हमारे आज कन्वर्जेशन का सो sure. so, um, एक चीज़ थी गोपी शंकर मदुराए जी डू यू नो हिम ऑफ कोर्स मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो आई डोंट नो वो मुझे अभी कितना याद रखते हैं बट uh, मैं मैंने एक यू कैन से एक कैम्प था रेजिडेंशियल कैंप जहाँ पे मैं उनको मिला था एंड दोस्त ट्वेंटी वन डेज वी वर वन ऑफ द मोस्ट यू नो द ह्यूमरस फ्रेंड्स एवर डोंट नो इव दैट्स अ टोम बट जितनी मजा उनके साथ आई उनके साथ उनकी खींचने में उनके साथ हंसी मजाक करने में रिगार्डलेस ऑफ वॉट ही रिप्रेजेंट्स राइट एंड वॉट ही इज एंड वॉट ही रिप्रेजेंट्स रिगार्डलेस ऑफ दैट मतलब हमें तो कभी वो लगा ही नहीं कि वो एक हर्डल है एंड उन्होंने भी बहुत सारी अंदर की बात बताई थी हाउ द कम्युनिटी वर्कस एंड वॉट हर्डल्स डज यू फेस सो लेट्स मूव ऑन टू दिन ओ वन साइड ऑफ एल जी जेटी सो एल जी बी लेन गे एंड बाई सेक्शुअल जी ये सेक्शुअलिटीज है जी सो ये आप पहले इसका थोड़ा सा एक फटाफट डेफिनेशन दे दिए आई आई डोट थिंक की इसमें कुछ ज्यादा डाउट्स है जी बट बिकॉज वी आर गोइंग डू दैट एंड देन एक क्ल कुछ चीज होती है और एक चीज पॉपुलरली है, हाँ, है तो उसके बारे में भी कुछ श्योर सो वेरी क्विकली हम समझना होगा कि सेक्स और जेंडर ही अलग अलग चीजें हैं तो पहले मैं समझाता हूँ कि सेक्स क्या है सेक्स यानी कि आपके जन्म के समय बच्चे के जन्म के समय जो लिंग है उसको हम सेक्स कहेंगे राइट right. यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तभी केवल केवल और केवल तीन ही सेक्स पॉसिबल है कोई चौथा सेक्स नहीं होता ओके okay. एक होता है मेल पुरुष दूसरा होता है स्त्री फीमेल और तीसरा होता है इंटरसेक्स इंटरसेक्स यानी ऐसा बच्चा जो लाखों में एकाध होता है जिनके शारीरिक अवस्था और शारीरिक अवयव को देख के डॉक्टर यह तय नहीं कर पाते कि यह बच्चा है बच्चा पुरुष है या स्त्री है हो सकता है कुछ कुछ बच्चों में दोनों अवयव हो हो सकता है उनको उनके बाहरी बाहरी जो अवयव हो वो पुरुष के हो लेकिन आंतरिक अवयव स्त्री के हो okay. या शायद हो सकता है कि उनको बाहरी अवयव स्त्री के हो लेकिन आंतरिक अवयव स्त्री के ना हो सो देर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड देर कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड देयर सेक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ विच आर नॉट मेल और फीमेल एंड इफ यू आस्क एनी डॉक्टर दे विल टेल यू देर आर फोर्टी प्लस बॉडीली कंडीशनिंग इन विच इंटरसेक्स चाइल्ड इज प्लस प्लस बॉडीली कंडीशनिंग इंटरसेक्स के वो इंटरसेक्स uh, के अम्ब्रेला ने? के अंदर ही आता right. है राइट right? तो जब भी बच्चा पैदा होता है तभी केवल केवल तीन होता है सेक्स के आधार पे मेल फीमेल और इंटरसेक्स उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तभी हमारे पास हमारे दिमाग में हमारी जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू होती है राइट right? कि हम अपने आप को क्या मानते हैं तो जैसे कि अगर कोई बच्चा पुरुष पैदा हुआ है यानी कि उनके जो अपने प्राइवेट अवयव है वो पुरुष के हैं और वो अपने आप को अगर पुरुष ही मानता है तो वो उसे कहा जाता है सिस जेंडर मेल और अगर कोई स्त्री जन्म से है और अपने आप को स्त्री ही मानती है उसे कहा जाता है सिस जेंडर फीमेल हवेवर okay. देर आर पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई विदेंडर आइडेंटिटी असाइन टू देम एट द टाइम ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ Right. राइट so सो who might बी बॉर्न एज अ फीमेल कोई स्त्री के तौर पर पैदा हुआ हो सकता है लेकिन अपने आप को पुरुष मानता है या कोई पुरुष के और पैदा हुआ होगा और अपने आप को स्त्री मानता है तो ऐसे जो लोग हैं, उसे हम ट्रांस कहते हैं राइट ठीक है right. तो ये हो गई वॉट डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी हमने सेक्स की बात की वॉट यू आर बॉर्न है सेकेंड वॉट डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी आप कैसे कि पैदा हुए हो और अपने आप को क्या समझते हो ये हो गया आपकी जेंडर आइडेंटिटी अपने मन के दिमाग की बात है अब तीसरी बात है वो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो दिल की बात है किसको देख के आपका दिल धड़क धड़क करता है ओके okay. राइट right? तो देर आर पीपल जिन जो अपने आप को सिस्ट जेंडर मेल मानते होंगे यानी कि जो जन्म से पुरुष है अपने आप को पुरुष मानते हैं और वो उनका आकर्षण शारीरिक मानसिक एंड एज अ लाइफ पार्टनर वो किसी पुरुष क्यों देख के होता है उनको आकर्षण और ऐसे जो व्यक्ति है उसे हम गे कहेंगे जैसे कि मैं अपने आप को गे कहता हूँ okay. तो मैं गे क्यों हूँ क्योंकि मेरा अपने मेरा जन्म पुरुष के तौर पे हुआ है आई एम बायोलॉजिकली सेक्स इज मेल आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी मेल and and I'm emotionally एंड आई एम इमोशनली and that's why I call myself as gay. Right. Same, किसी व्यक्ति का जन्म स्त्री के तौर पे हो सकता है वो अपने आप को स्त्री ही मानेगी यानी कि उस जेंडर फीमेल है और वो किसी स्त्री की ओर आकर्षित होती है तो उसे हम कहते हैं लेस्बियन okay. उसके अलावा कोई स्त्री या पुरुष हो और उनका आकर्षण दोनों की ओर हो तो वो हो जाते हैं बाइसेक्शुअल करेक्ट hmm. अब आपने मुझे कहा करके कि पैन सेक्शुअल क्या होता है तो पैन सेक्शुअल ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका आकर्षण किसी के लिंग के आधार पे ना हो वो किसी के भी प्रति आकर्षित हो सकते हैं कोई और कारणों से चाहे वो उनके प्रति लाइक नो सम्बडी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड आई फॉल इन लव विद दैट आर्ट एंड दैट्स वाई एक्सटेंशन ऑफ दैट लव फॉर द आर्ट एक्सटेंड टू द आर्टिस्ट एज वेल और समबडीज वे ऑफ स्पीकिंग और एनीथिंग my reason of attraction towards that person can be anything minus gender okay. and that's why that person is pansexual okay. okay right so pansexual for me to fall in love with somebody the gender doesn't play a role hmm

Uh, जिसमें भी बहुत सारी लेटर्स है जो गॉड दैट वी कॉल इट इज एन एल्फाबेट सूप ओके सो ये आई और टी जी ट्रांस एंड इंटरसेक्स इसके बीच का एक तो पहली बात जो मिसकनसेप्शन है जी वो क्लियर कर दीजिए एंड उसी uh, सिलसिले में आप उनके डेफिनेशन भी बता दीजिए तो इंटरसेक्स यानी कि जो व्यक्ति का जन्म पे ये जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है सेक्स डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है या फीमेल है जिनके आंतरिक अवयव मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं या बाहरी अवयव मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं हो सकता है कि आंतरिक अवयव फीमेल के हो और बाहरी अवयव मेल के हो इत्यादि इत्यादि यानी या। कि जो ऑलरेडी हमने, हमने कवर कर लिया है तो इसे कहते हैं हम इंटरसेक्स है और इसका कोई एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे आ, हम जो जनरली किन्नर देखते हैं हाँ हाँ तो वो इंटरसेक्स में आते हैं कि ट्रांसजेंडर में आते हैं किन्नर जो है वो एक ट्रेडिशनल uh, आइडेंटिटी है ओके okay. वो एक संप्रदाय है जैसे hmm. हिजड़ा एक अपने आप में संप्रदाय है किन्नर अपने आप में एक ट्रेडिशनल आइडेंटिटी okay. है ओके so, सो uh, ये सिनोनिम्स नहीं है किन्नर जो है वो ट्रांस अम्ब्रेला के अंदर आता है Okay. Uh, now let me come to the trans which you asked me about, right? So transgender are the anybody तो बचपन में अगर मुझे मेल कहा गया है और मैं अपने आप को मेल नहीं मानता हूँ hmm. तो मैं ट्रांस अम्ब्रेला के अंदर आता हूँ अगर मेरा बचपन में फीमेल के तौर पर जन्म हुआ है और मैं अपने आप को फीमेल नहीं मानता हूँ मैं पुरुष मानता हूँ अपने आप को तो मैं ट्रांस अम्ब्रेला के अंदर आता हूँ किन्नर हो गया हिजड़ा संप्रदाय होगा ये सारे जो है वो ट्रांस अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं प्राइमरीली बेसिक ये इतनी छोटी सी बात है कि वो अपने आप को उनके जो बर्थ असाइन हुआ है जो सेक्स असाइन हुआ अपने उनके बर्थ के समय वो उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और ये डिस्कवरी okay. जो है वो बचपन में हो जाती आई नो ट्रांस पीपल जो कहते हैं कि मैं तीन या चार साल का था या थी तब से मुझे पता था कि मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूँ

कि मैं गलत ले रहा हूँ लीगली uh, कहा जाए तो भारत में अभी ट्रांसजेंडर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है बाय द पार्लियामेंट राइट तो उसकी जो डेफिनेशन आप देखेंगे तो लीगल डेफिनेशन में उन्होंने सबको ट्रांस अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया है राइट नाउ सो इंटरसेक्स ऑल्सो अंडर द ट्रांस अम्ब्रेला एज पर इट इज दीगली एज एवर इफ यू आस्क इंटरसेक्स पर्सन लाइक गोपी यू मैं Yeah. Uh, that do you wanna call yourself a trans? Probably they may say that they they are not trans. They, they want to have a separate identity called are intersex. So okay. depend on uh, the person to person. There are intersex people who are more comfortable identifying themselves as trans, but there are intersex people who want to call themselves intersex. So it's a conversation. Okay. So yeah, uh, a spectrum. Ki it's a dekhajan. spectrum. Trans is a spectrum. It's an umbrella term in which intersex can also fall in. Okay. सो so, बहुत ही ब्यूटिफुली आपने एक्सप्लेन कर दिया इनफैक्ट यू हैव एजुकेटेड मी बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे डिफरेंस पता है बट थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग मी एज वेल सो अभी हम लोग ये प्राइड का एक फ्लैग देखते हैं राइट right? जी uh, प्राइड का फ्लैग एक यूनिवर्सल uh, फ्लैग है कि uh, उसके अंदर भी कुछ आई थिंक अलग अलग सारे लेटर्स के अपने आपके एक फ्लैग्स है राइट right? जी सो so, उस पर कुछ आप बता सकते हैं तो देखिए प्राइड फ्लैग सबसे पहले जब भी बना था वो सात रंगों को रिप्रेजेंट करता था hmm. राइट और हर एक रंग का अपने आप में एक आ, मीनिंग है okay. आ, हावेवर आ, पिछले कुछ सालों में प्राइड फ्लैग भी बहुत बार बदला है टू मेक इट मोर इंक्लूसिव तो उसमें आ, जो है ब्लैक एंड ब्राउन Uh, जो है वो लाइंस भी ऐड कलर ऐड किए गए हैं टू बी मोर इंक्लूसिव टूवर्ड्स अ ब्लैक कम्युनिटी एंड अ ब्राउन कम्युनिटी अभी रिसेंटली जो उसके बाद बदला हुआ उसमें जो इंटरसेक्स फ्लैग है यानी कि एक येलो कलर का ट्रायंगल uh, कहा जाता है और उसके अंदर जो है एक रिंग है पिंक कलर की जो इंटरसेक्स पीपल uh, को रिप्रेजेंट करती है तो उसको भी प्राइड फ्लैग के अंदर अभी रिसेंटली ऐड किया गया है तो इन लास्ट फ्यू ईयर्स प्राइड फ्लैग हैज़ बिन इवॉल्विंग हावेवर इफ यू टॉक अबाउट एल जी बी टी कम्युनिटी एज अ होल इवन इन द मोस्ट ऑफ द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग द रबो कॉलर रिप्रजेंट द होल एल जी बी टी कम्युनिटी ओके एंड सबके अपने अपने कुछ इंडिविजुअल फ्लैग्स भी है बट जैसे यू एस के हर स्टेट के अपने फ्लैग होते हैं बट यू एस हैज इट्स ओन National flag, basically. Yeah, and again, but these are again not very popular within the community itself. So, like, uh, if you ask a lesbian, what is a lesbian flag, and what is uh, if you ask uh, somebody who is bisexual, what is bisexual flag? Probably they may not know about it as well, right? So, uh, it's it's a uh, uh, it's, it's just that what happens is right uh, when there is so much of diversity in any community, uh, everybody want to showcase themselves differently, or there are uh socio political reasons to stand out differently that leads toward this kind of like you know creation yeah, of different we flags will come to that later <laughs> definitely yeah but uh, continue please uh, right uh, so that leads towards that kind of identity however most of the lgbt community identify themselves under the rainbow flag which is so beautiful and inclusive uh, which represents the diversity of lgbt community येस एस्पेषली इंडियन पीपल दे लव कलर्स एंड रेनबो इज समथिंग विच एज किड्स इवन दे आर सो फैसिनेटेड अबाउट वी लव हाउ मेनी कलर्स इट इट्स नॉट ओनली सेवन कलर्स एक्चुअली स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो दे आर मिलियंस ऑफ कलर्स बट देन लाइक इवन एज अड जैसे मेरा रूम जंगल बुक के थीम पर बनाया गया था तो उसका जो रूफ था हमारे सीलिंग था तो उसके अंदर भी उन्होंने रेनबो तो वी वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट राइट सो या एज पीपल वी आर ऑलवेज attracted टू इट बट नाउ दैट वी हैव ग्रोन अप अभी जो एक उसका एक अलग मीनिंग आ चुका है वो भी बहुत इंक्लूसिविटी के तरफ एक सिम्बल है जी सो दैट इज जस्ट आई थिंक इट्स इट्स लाइक अ पोयम लाइक इट जस्ट मेड सेंस जब वो प्राइड का कलर रेनबो रखा गया उस से सो so, प्राइड का कलर रेनबो रखा गया है उसके बहुत सारे मीनिंग है लेकिन आप एक मीनिंग मुझे जो बहुत पसंद आता है कि देखो कि रेनबो आता है एक बहुत समय की जो भी वर्षा होती है अंधकार है बादलों का सूरज ढका हुआ है उस अंधकारमय वातावरण में जो वर्ष बहुत सारी वर्षा होने के बाद जब भी सूरज की किरण वापस से आती है और वो पानी को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रेनबो आता है वो बहुत मायने में एल कम्युनिटी की अपनी ज़िंदगी को भी व्यक्त कर रहा है क्योंकि जब भी हम अपने आप को स्वीकार करते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी वर्षों की स्ट्रगल के बाद हम अपना स्वीकार कर पाते हैं और जब भी वो स्वीकार करता भी आप मेरी अभिव्यक्ति हो रही है मैं अपने आप को व्यक्त कर रहा हूँ एक अंधकारमय पड़ाव के बाद और वो मेरा अभिव्यक्ति जो है वो रेनबो है वो वो सप्तरंगी है, वो है एक आशा है एक पॉजिटिविटी एक होप दे रहा है राइट right? कि अब जो है वो सूरज ढका हुआ नहीं है अब सूरज अपनी आइडेंटिटी को बाहर ला रहा है द द द लाइट एट एंड ऑफ टनल एब्सोल्युटली सो दैट एक्सेप्ट करते हैं फिर आ, वो एक पार्ट हो गया फिर एक नेक्स्ट हर्डल आता है अब लोगों के सामने कम आउट करना जो कमिंग आउट एक पॉपुलर टर्म है इसके बारे में उसके बारे में कोई आपकी स्टोरी बताइए प्लीज़ अगर कुछ आप शेयर करने के लिए कंफर्टेबल है जी जी आ, तो देखिए मेरा जन्म जो है वो वोवो मिडिल क्लास गुजराती परिवार में हुआ ओके। आ, मैं जन्म से डोम्बिली में रहता हूँ जो मुंबई का एक सबब है आ, और गुजराती मीडियम में मेरा अभ्यास हुआ दसवीं की कक्षा अच्छा, तक ओके। और गुजराती मीडियम में पढ़ाई करने के कारण बाहर का जो वर्ल्ड है वो मेरे लिए बहुत ही सीमित था तो मेरा वर्ल्ड जो था मेरी दुनिया थी वो घर और घर से स्कूल स्कूल से घर तो कई बार अभी मैं ये कहता हूँ तो मुझे हंसनी हंसना भी आता है कि आ, मुझे याद है कि दसवीं की कक्षा की जो लास्ट एग्जाम थी एसएससी बोर्ड की लास्ट परीक्षा थी तभी तक मेरी मॉम जो है वो मुझे स्कूल छोड़ने आती थी और स्कूल से लेने आती थी राइट okay. right? तो आई एंड स्कूल में भी मैं बहुत uh, अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा था और मैं हमेशा पहली बेंच में बैठता था पहले उसके बहुत सारे रीज़न थे सबसे पहला तो मेरी मेरा जो विजन है वो बहुत कम है आँखों का तो okay. उसके मुझे मैं पीछे अगर बैठूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देता था ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है तो उसके कारण भी मैं हमेशा से जो है वो आगे की बेंच में बैठने वाला व्यक्ति था और बाद में मैं पढ़ाई में भी अच्छा था तो टीचर का जो ज़्यादा फोकस मेरे पर रहता था तो अगेन इन दैट सेंस ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज अ फर्स्ट बेंचर राइट आई हैड नो आइडिया कि वॉट इज़ हैपनिंग इन बैक बेंचेस तो उसके कारण जेंडर सेक्शुअलिटी ये सारे कॉन्वर्सेशन पहली बात तो हमारे स्कूल में एग्जिस्टिंग ही नहीं थे और बैक बेंचेस में उस समय में जो बातें होती होगी जब भी बच्चे अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर करते हैं सेक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करते हैं वो जो सारी बातें होती है वो भी मेरे तक कभी पहुंची नहीं अच्छा तो और आ, इट्स सो फनी कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आई रिमेंबर uh, हमारे मतलब मैं एस एस सी बोर्ड में पढ़ा हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ तो एट्थ स्टैंडर्ड या सेवन्थ स्टैंडर्ड के बाद हमें साइंस वन और साइंस टू ऐसा दो right. टेक्स्ट बुक आती थी तो साइंस टू जो था उसमें बायोलॉजी सिखाई जाती थी और बायोलॉजी के नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था ऑन रीप्रोडक्शन लेकिन हमारे जो टीचर थे उसको हम बेन बोलते थे हम टीचर भी नहीं बोलते थे गुजराती मीडियम में ओके okay. तो बिकॉज शी वॉज अनकम्फर्टेबल टीचिंग अस अबाउट रिप्रोडक्शन Uh, she just completely avoided the whole chapter but honestly ये Gujarati medium का issue नहीं है uh, I was from I C A C हाँ जो ज़्यादा progressive uh, माना जाता है, है। हाँ उसका एक uh, you can say ठीक है IGCSE G जैसा type नहीं है और वो all over India है and especially one of the best English uh, in India जो board मानी जाती है uh, वो पूरा page एक page में था वो पूरा page easily skip and we were waiting all throughout the year because end of the book pe tha, we right. were like, how is it going to be taught to us right right so right. i do get abuja uh, care and so you can relate to it what yeah, i'm talking and about it's right? not only uh, gujarati thing i think it's an indian thing. maybe maybe yeah. but uh, so she was uncomfortable talking about it and that's why she just completely avoided the whole chapter on uh, reproduction. and now because me being a good student, what was not taught to me in the classroom, mm. that which is not available in school library and that which is not available at home does not exist. okay, so i had no idea, uh, believe me or not, but i had no idea the difference between male body and female body. forget about diverse gender identity and orientation. till the time i completed my 10th grade. Okay. one fine evening in the 10th vacation, मेरे आए हुए थे गुजरात से। ओनली so चाइल्ड नहीं मेरा छोटा भाई भी है ओके सो बोथ आर Both बोथ आर मेल वो भी एक डाइवर्सिटी की कमी रहेगी कभी क्योंकि बचपन में कभी सिस्टर नहीं थी तो हाँ. मतलब राइट तो मेरा कज़िन जो आए हुए थे गुजरात से आ, जो मेरे से दोनों बड़े थे एक मेरे मामा का लड़का और मेरे मासी का लड़का तो टेंथ का वेकेशन था मेरा और आ, मुझे पता है मैं शाम के टाइम हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे और मैं बीच में बैठा हूँ यहाँ पे मेरे दोनों एक साइड और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मेरे दोनों बड़े भाई बैठे हैं और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं टेरेस में और मैंने देखा करके कि एक छोटी सी लड़की रस्ते पर मे भी चार या पाँच साल की रही होगी वो बच्ची जो रस्ते पे बैठ के कॉर्नर पे पिस कर रही है okay. तो वाज पिसिंग ऑन रोड सिटिंग डाउन एंड पिसिंग एंड व्हेन वी डू इट वी जस्ट स्टैंड एंड पिस तो ये दोनों जो है मेरे को जैसे देखने लगे जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुना कर लिया हो ये सवाल पूछ के And asking, i like, no, I don't know. Don't you know why they're sitting and she's sitting and pissing? I'm like, no, I don't know. That is when they told me that the body, the way we have as boys, female don't have it. So they can't just stand and piss like us. They need to sit and piss. I'm talking and I was 15. इवन yeah. इफ right. uh, 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 अगर मैं आपके भाइयों के जगह पे होता शायद मेरा रिएक्शन भी सेम होता बट रिसेंटली द अमाउंट ऑफ टाइम जो आजकल रेडिट और कोरा जैसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे पीपल कैन कम आउट एंड ओपनली डिस्कस अनोनिमसली कि मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे आई एम सो सरप्राइज द अमाउंट ऑफ पीपल जिन्हें पता ही नहीं था कि डिफरेंस क्या होता है राइट right. एंड वेन दे आर फर्स्ट टाइम डेटिंग और टॉकिंग टू अ गर्ल एंड जब ये ऐसी कुछ चीजें आ जाती है ऊपर एंड देर लाइक इस मे क्यूँ अलग है या वाई आर यू मैं मे बी दिस सेम इंसीडेंट सच एज हाउ डू पी राइट ये सारी जो टॉपिक्स थी इट इज सो मच मोर कॉमन देन मेनी पीपल रियलाइज आई एम सरप्राइज टू नो दैट बट हावेवर मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इंटरनेट नहीं था और एट लीस्ट मुझे एक्सेबल नहीं था हमारे घर yeah, पे टॉकिंग अबाउट सच पीपल होती या और हमारे घर पे केबल टीवी भी नहीं था तो hmm. जो दो चैनल आती थी वो केवल और केवल डी वन और डी टू राइट कोई इंग्लिश लिटरेचर hmm. नहीं था कॉलेज स्कूल uh, में सब कुछ मोस्टली गुजराती में ही गुजराती साहित्य वो सब भी मेरा एक्सपोजर था तो जिस तरह से मुझे जो कहा नहीं गया वो मुझे नहीं पता सो माई वर्ल्ड व्यू वॉज लिमिटेड नो आइडिया अबाउट दैट सो आफ्टर दैट द सेम डे माई वन ऑफ माई ब्रदर टेल्स मी कि अभी उन्होंने मुझे मतलब ना जेंडर और सेक्स के बारे में एक ही शाम में पूरा ब्रह्मज्ञान दे दिया ओके okay. तो आपके <laughs> so लिए सर्व वाज इन वन इवनिंग इटसेल्फ आपके लिए वो एक तरीके से कुरुक्षेत्र के पहले वाला सेशन हो गया आई डोंट नो दैट सो बट व्हाट हैपेंड इज एट द एंड ऑफ इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी दैट सर्व परित्यज्य

Whatever you told me, oh, everything yeah. is true, but for me, all of that is happening towards the boys, not towards the girl. Now, I was young, and they were also quite young at that time, and they just took it as a joke. So somehow I came out, that was my very first coming out, without innocent, even realizing that I'm coming out. Like but when I look back at my life, although I did not know about sex, gender, sexuality, Although I did not know the difference between the body difference of male and female, I remember as a child watching Shaktiman and Shaktiman uh, meditating in the form of Gangadhar when he was, he was shown shirtless. Okay. I had some kind of attraction towards it. Okay. I remember waiting for that Samaria song hmm. of that actor, right? Hmm. Wherein again he was shown shirtless. Or I remember when I used to go to my mama's place and they had a cable TV and my mommy used to watch this.

बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है समलैंगिकता के आसपास ये कुछ भी सत्य नहीं होते हैं राइट तो पहला सब एक मिसकंसेप्शन क्या है कि हो सकता है कि बच्चे जो है वो आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं जब भी उनको सेक्स जेंडर सेक्शुअलिटी के बारे में पता चलता है उसके वजह से वो जो है वो गेट टर्न हो जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट करते करते उनको अच्छा लगने लगता है अपने फ्रेंड के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ करेंगे राइट उसकी वजह से वो गेट टर्न हो जाते हैं

जो दो एंटरटेनमेंट अवेलेबल था वो डी डी वन और डी डी टू और वो भी तो थोड़ा सा दूरदर्शन अवेलेबल था जिसमें कहीं पे भी समलैंगिकता बात नहीं थी फिर भी मैं अपने आप को समलैंगिक डिस्कवर किया तीसरा मिसकनसेप्शन है जो मैं सुनता हूं कि कई बार अनसेफ चाइल्डहुड होता है कई बार बच्चों को मॉलेस्ट किया जाता है बचपन में उनके ही फैमिली मेंबर के द्वारा शायद होता है उनके अंकल हो या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हो उनके द्वारा मोलेस्ट किया जाता है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन स्टार्ट लाइकिंग दैट एक्ट वॉट इज हैपनिंग टू दैम एंड समहाउ दे टर्न गे मेरे जिंदगी में ये भी नहीं हुआ मेरे आई हैड अ वेरी हेल्दी एंड सेफ चाइल्डहुड सो ऑल द मेजर मिसकन्सेपन अराउंड बींग होमोसेक्शुअुअल डज नॉट होल्ड ट्रू वेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई ओन लाइफ एंड येट आई एम क्लेमिंग टू बी गे and that's why I deliberately use the term called as I discover myself being gay. discover hmm. शब्द का अर्थ क्या होता है जो कुछ होता है उसको हम discover करते हैं that which existed always and I discover it hmm. at the age of fifteen and sixteen. so uh, again so now the part where you came out um, right अगर मैं अपने कमिंग आउट की बात करूं तो uh, ऐसा कहा जाता है कि कमिंग आउट के अलग अलग सर्कल में लोग कम आउट करते हैं okay. जैसे कि आप शायद अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को पहले बताएंगे अपने बारे में जिसको आप ट्रस्ट कर पाते हो उसके बाद शायद आप अपने कजिन को बताएंगे या अपने खुद के भाई या बहन को बताएंगे hmm. देन आप शायद अपने पेरेंट्स को बताएंगे देन आप, आप एक्सटेंडेड फैमिली को बताएंगे अंदर सारी दुनिया को बताएंगे राइट सो सोशोलॉजिकली इट इज दर आर सेवन टू एट सर्कल्स ऑफ कमिंग आउट हवेवर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ आई रिमेंबर एलिवेंथ दिसंबर 2013 ये वो दिन था जब इस सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में ने अपना पहला नेगेटिव जजमेंट दिया ऑन आई पी आईपीसी 377 एक भारतीय दंड संहिता थी जो समलैंगिकता को क्राइम मानती थी जो ब्रिटिश एरा का लॉ था हमने कंटिन्यू किया और उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने 2009 में उसको डिक्रिमिलाइज कर दिया हवेवर हाई uh, हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट में वापस से चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जजमेंट था इसके ऊपर वो एलेवेंथ दिसंबर 2013 के दिन आया तो मुझे याद है कि uh, मैं हमसफ़र ट्रस्ट गया उस दिन और uh, क्योंकि मुझे कम्युनिटी के साथ रहना था और हमसफ़र ट्रस्ट uh, भारत का सबसे पहला एल राइट्स के ऊपर काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन uh, है एक संस्था है जो वकोला में है मुंबई में तो मैं वहाँ पे गया क्योंकि मुझे कम्युनिटी के साथ रहना था इन सॉलिडारिटी के सुप्रीम कोर्ट का आज इतना बड़ा जजमेंट आने वाला है और जैसे मैं गया वहाँ पे तो मैंने दो तरह के लोग देखे एक तो दो थे जो एल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे लेकिन दूसरे तरह के लोग जो थे वो मीडिया से थे मैंने शायद इतने सारे टी वी और टी के न्यूज़ चैनल के माइक एक जगह पर कभी नहीं देखे और जैसे ही अराउंड सवा दस ग्यारह बजे के आसपास ये जजमेंट आया और हमें पता चला कि हमने आ, केस जो है वो हार चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने okay. वापस हमें जो है वो क्रिमिनल का कर दिया है क्योंकि ये केस के पहले तक डिक्रिमिनलाइज तो हो चुका था अराउंड 2009 ए, था 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 में 9 में 9 में दिल्ली हाई कोर्ट मुझे ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया मूवी आई थी अराउंड वही टाइम पे करेक्ट दिस थिंग बिकेम अ पॉपुलर टॉपिक करेक्ट 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 Uh, तो उसके बाद जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वापस डी क्रि, क्रिमिनलाइज कर दिया उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और हमें पता चला कि जजमेंट जो है वो नेगेटिव है अराउंड सुबह ग्यारह बजे के आसपास और ये जो टीवी चैनल वाले थे वो ढूंढ रहे थे लोग एल कम्युनिटी से जो टी वी आके उनके आ, बारे में बात कर सके और ट्रू बी और वो जो हमारा आ, टीवी डिबेट चलता है डी मशीनरी चलता है तो उसमें जाके बात कर सके जो भी वेल नोन एक्टिविस्ट थे वो जो थे वो वेल नोन टीवी चैनल के साथ बिजी चले हो गए जैसे कि बीबीसी है स्टार न्यूज तभी का था इत्यादि इत्यादि लेकिन भारत में आई थिंक ओवर 120 uh, 24 ट्वेंटी फोर बाई सेवन न्यूज चैनल चलते हैं स्पेशली बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस करेक्ट तो देवर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन कम आउट एंड टॉक अबाउट देयर साइड ऑफ द स्टोरी सो देर रियलींगट इज देर एनी बडीन टॉक इन गुजराती इज देर एनी बडीन टॉक इन मराठी एंड टेक पार्ट इन द टी वी डिबेट्स एंड आई डिसाइडेड टू के इफ आई डोन्ट टूडे वॉट राइट डू आई हैव टू सेट आई वॉज बॉर्न इन अ कंट्री वेर माई राइट इज नॉट बी रिकोगनाइज आई हैव नो राइट टू क्रिप अबाउट इट इफ आई डोंट टॉक अबाउट इट टूडे बिकॉज टूडे इज द नीड ऑफ द कम्युनिटी टुडे इज द डे फॉर मी टू स्पीक अबाउट माई राइट्स एंड माई आईडेंटिटी माई एग्जिस्टेंस तो मैंने जो है डायरेक्टली टी वी पे आवर कमिंग आउट किया तो सुबह साढ़े ग्यारह बजे से शाम को साढ़े सात बजे तक मैं टी वी चैनल के बाद टी वी चैनल पर बात करने लगा एक टीवी डिबेट के बाद अनादर टीवी डिबेट में सहभाग होने लगा और तो मेरा जो कमिंग आउट है वो डायरेक्टली दुनिया में के साथ हो गया तो वो जो सर्कल्स ऑफ कमिंग आउट की मैंने बात कही हुई कुछ नहीं हुआ डायरेक्टली आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द आउटर सर्कल ऑफ़ द होल आउटसाइड इन ऑफ साइड करेक्ट सो देन एवरीबडी यू गॉट टू नो बिकॉज सो समी आस्क आर यू गे देर हाउ डू यू नो आई सॉ यूर न्यूज इफ न्यूज इज टॉकिंग अबाउट योर मोस्ट प्रॉबेबलि इट इज ट्रू ओके, okay. um, आपकी family, right. आपके close people जिनको नहीं पता था जी और um, अब वो आप ही बताएंगे कि कितने रिएक्शन क्या था सो um, so, मेरी फैमिली में और एक्सटेंडेड फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को या ऑलमोस्ट किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता था uh, और uh, उनका रिएक्शन ऐसे हुआ कि जैसे कि मैंने कभी भी कमिंग आउट मेरे पेरेंट्स के साथ आज तक नहीं किया Okay. जैसे कि कमिंग आउट इवेंट जिसे कहा जाता है कि आप कहते हैं कि मॉम एंड डैड आई आई टेल यू समथिंग एम गे ऐसा कभी भी नहीं हुआ मैंने मम्मी पापा को आज तक कभी ऐसा बैठ के नहीं कहा कि मैं समलैंगिक हूँ hmm. उनको ऑलरेडी पता है अभी राइट uh, right? और उन्होंने कभी मुझे कन्फ्रेंट भी नहीं किया जो है वो उनका एक्सेप्टेंस का तरीका एक अलग है वो हां भी नहीं है पूर्णता हाँ भी नहीं है वो वो बिल्कुल ना भी नहीं है hmm. वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कि मेरी सेक्शुअलिटी के बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते और मैं उसको रिस्पेक्ट करता नहीं हूं नहीं, नहीं लेना देना नहीं है वो बात एक नेगेटिव हो जाएगी कि आई जस्ट डोंट केयर इट अबाउट दे डोंट केयर दे रिस्पेक्ट मी नॉट टू टॉक अबाउट इट ओके एंड आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन नॉट टू टॉक अबाउट इट सो अभी शादी की बात कभी भी होती नहीं है राइट एंड नाउ माई डैड पास्ट अवे थ्री ईयर्स है को बट इवन माई मॉम नाओ शी सिंग टो के आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट ना गट मैरिड एस इड यस मोम आई डोंट वॉन्ट ना गेट मैरिड तो मोम ने पूछा तो हम छोटे भाई की शादी की बात करना शुरू करें मतलब यस मोम हमें छोटे भाई की शादी की बात करना शुरू करना चाहिए अगर अरेंज मैरिज उसको करना है तो बट मुझे शादी नहीं करनी एंड दैट इज ऑल अबाउट इट तो मैंने कभी फैमिली में पेरेंट्स को कमिंग आउट नहीं किया लेकिन उनका अनस्पोकन एक्सेप्टेंस मुझे मिला है

कोई मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करता है बट एक क्यूरियोसिटी जैसे अभी मैं, मैं जैसे मुझे ही देख लो समझो मैं आपका कजिन हूँ जी तो बीइंग एक एक क्यूरियस पर्सन जी एक जिज्ञासा में आपसे जानने के लिए कभी आए या ऐसे हाँ तो दो तीन लोग कजिन ने मुझसे बात की इनडायरेक्टली तो उन्होंने जिस तरह से बात की मैंने उनको इनडायरेक्टली जवाब भी दे दिया जिसने okay. मुझे डायरेक्टली पूछा जैसे मेरी एक कज़िन है जो चेन्नई में रहती है मेरे से बड़ी है दी मेरी बुआ की लड़की तो शी आस्ट मी कि आर यू गे तो मैंने हाँ दे दिया एम के बट ये एक ही ऐसी कजिन है जिसने मुझे डायरेक्टली पूछा उसके अलावा किसी ने और मुझे uh, अच्छा, पूछा ही नहीं तो वो एफर्ट जो होता है कि क्या है गे हाउ मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा इवन अबाउट एल बिकॉज यू आर एन एक्टिविस्ट ऑल सो नहीं लेकिन मेरी फैमिली में एक्सीडेंट फैमिली में भी कभी भी किसी ने मुझे इस तरह से सवाल पूछे ही नहीं है दे जस्ट लाइक यू नो बिहेव एज ए माई सेक्सुअलिटी डज नॉट एग्जिस्ट डू यू फील कि ये थोड़ा वो एक्शेल पे चलते हैं बिकॉज दे काइंड ऑफ इग्नोरिंग दिस थिंग बिकॉज पता नहीं अभी ये आपको कैसे लगता है बट इज इट लाइक अ एलिफेंट इन द रूम एब्सोटली सो किसी भी फैमिली इवेंट में जाऊँ तो ये एलिफेंट इन द रूम होता ही है बट uh, उनको एड्रेस नहीं करना है तो मुझे सामने से जाके बोलने की क्या जरूरत है कि हाँ मैं समलैंगिक हूँ मैं समलैंगिक हूँ सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ मेरी मेरी भी इच्छा है कि हाँ एक एक्सेप्टेंस वाली एक्सटेंडेड फैमिली हो जो मेरा पूर्णतः स्वीकार करे मेरी जिंदगी बारे में पूछे इत्यादि इत्यादि लेकिन

these questions are also not talked about right So how do you feel about ah, it? because i i yes so i um, so when i actively think about it then i feel neglected or feel a little less or a second class uh, family member okay uh, but to be very honest now i just don't even care much it's perfectly fine they don't want to talk about it it makes them uncomfortable as far as they don't create an issue in my life uh, we respect each other's space मे बी दे आर ऑल्सोक यू अनकम्फर्टेबल होपफुली यू मतलब आपकी फैमिली इस हर्टल को पास करके एक मतलब आई नो और आई डोंट नो मे बी कि आपको कितना बॉर्डर करता है ट्रूली इन साइड बट आई जस्ट प्रे कि आपके साथ एक जो डोर है जो एक इनविजिबल डोर है वो खुल जाए थैंक यू सो मच एक uh, अगर क्विकली हम लोग इसको एड्रेस कर पाए कि बिकॉज नाउ यू आर एन एक्टिविस्ट मैनी पीपल वुड बी कमिंग अप टू यू लुक अप टू यू फॉर इंस्पिरेशन हाउ टू कम आउट हाउ टू टॉक टू देयर पेरेंट्स हाउ टू टॉक मतलब ठीक है उनके एज वाले तो शायद आज समझते हैं कि क्या है पर कुछ आपके पास ऐसे एनेक्डोड्स हैं किसी के जो आ, उनके कमिंग आउट स्टोरीज कैसी थी या एक, एक कंटेक्स्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर दिस हैज़ बिकम अ मेन स्ट्रीम थिंग नाउ अब आपके पंद्रह साल की उम्र में ये अलग था पंद्रह साल पहले अब के जो पंद्रह साल वाले बच्चे हैं उनके टाइम पे बहुत अलग लेवल की नॉलेज है या बात बहुत इजीली होती है टैबू नहीं है वो लेवल पे तो कैसा एक्सपीरियंस मिला है आपको अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ तो मैंने देखा है कि कमिंग आउट और और ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इस बारे में लोगों को पता है Hmm. मेरी मम्मी को सिर्फ दो ही चीज पता थी मेल फीमेल और तीसरा यानी कि जो आ, रस्ते पे क्लैप करके भीख मांगते थे यानी कि हिजरा किन्नर समुदाय ट्रांस समुदाय राइट उनको ये कॉन्सेप्ट पहले पता ही नहीं था hmm. कि कोई मेल होके अपने आप को मेल मान के मेल की ओर आकर्षित होता है राइट दिस होल सिजेंडर मेल हैपन कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्स अदर मेल एंड दीज आर कॉल्डेज गे उनको पता ही नहीं था आज मेरी मॉम को उतना पता है राइट right? okay. तो ये अपने आप में एक जर्नी है hmm. जो उनको इम्बार्क करनी पड़ी लेकिन आज के पे जो पेरेंट्स देखते हैं तो उनको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पता है करेक्ट और बिकॉज ऑफ मीडिया बिकॉज ऑफ एक्सपोजर आई नॉट से कि ये मेन स्ट्रीम हो चुका है अब तक मेन uh, स्ट्रीम होता तो और भी ज्यादा उसके बारे में पता होता लेकिन आज भी जैसे आपने कहा करके बहुत सारे मिसकनसेप्शन है ट्रांस इंटरसेक्स इत्यादि इत्यादि तो लोगों को नहीं पता तो ये मेन स्ट्रीम एब्सोलुटली नहीं हुआ है लेकिन ये रेगुलर कॉन्वर्सेशन हो और इसके साथ जो अटैच एक टैबू था वो कम हो चुका है समाज में और इसके कारण जो है वो कमिंग आउट और आसान हुआ है स्पेशली भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको डिक्रिमिलाईज कर दिया 2018 में उसके बाद जो है ये और ज्यादा आसान होता है किसी व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने में क्योंकि तब तक तो मैं एक अपराधी हूँ ना मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ यानी कि मुझे जेल हो सकती है भाई तो मैं अपने अपराध को कैसे व्यक्त करूं, राइट hmm. right? तो अभी जो क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है कानूनी की तौर पे, तो आ, बात करना और आसान हो जाता है और मीडिया और कॉन्वर्सेशन अराउंड इट इसको और आसान कर देता है तो मैं देखता हूँ कि 2018 के बाद जो कमिंग आउट स्टोरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है और फैमिली का जो एक्सेप्टेंस टाइम है वो भी कम से कम होता है तो देर वर टाइम वेर इन बच्चों ने कमिंग आउट किया होगा पेरेंट्स को और पेरेंट्स ने सालों के साल उनसे बात नहीं की हाँ। शायद वो कम हो रहा है एक तरीके का डिसोन या डिसोन कर देते देर आर देर आर किसिस पेरेंट्स ने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है और ये अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ भारत की बात कर रहा हूँ मुझे रात को दो तीन बजे कॉल आएंगे कि आई एम से कॉलिंग यू फ्रॉम जामनगर और जयपुर uh, और मैंने कमिंग आउट किया आई एम जस्ट टें टेंटैंडर्ड में स्टैंडर्ड में हूँ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हूँ और uh, घर से निकाल दिया अब मैं कहाँ जाऊँ राइट

ज्यादातर जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है उन्हें सिटी के या कोई रेंट पे रहना होता है बेसिकली mm -hmm. और अब बिकॉज़ दे आर गे या लेसबियन दे आर नॉट लीगली अलाउड टू मैरी तो वो साथ में रहते एक तरीके से लिव इन ही हो गया जी तो वो अब कैसा फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब दो पार्ट हो गए एक हो गया जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल बिकॉज नाउ दे आर इन

लोगों को ये प्रश्न है कि आपको मैरिज क्यों चाहिए ये ये थप्पा क्यों चाहिए शादी का राइट तो उसका जवाब एकदम आसान है कि हमें मैरिज का थप्पा सिर्फ मैरिज करके नहीं चाहिए ये शब्द जो मैरिज आप इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ बहुत सारे इक्वल सिविल राइट्स आते हैं आपके पास सिविल राइट्स जैसे कि, कि मैं एक हाउसिंग लोन ले सकूँ मैं जॉइंट इंश्योरेंस ले सकूँ मैं विल बनाए बिना मेरी प्रॉपर्टी मेरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ट्रांसफ़र हो सके अगर मैं आज आ, इस पार्ट पॉडकास्ट को शूट करने के बाद नीचे जाता हूँ और मुझे एक ट्रक आके हिट करता है ना अनकॉन्शियस और मुझे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है और आ, मैं अनकॉन्शियस हूँ मेरी फैमिली वहाँ पर और मेरा पार्टनर वहाँ पे आता है और मेरी फ़ैमिली मेरे पार्टनर के हॉस्पिटल में रहने पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है और हॉस्पिटल अथॉरिटी उसे वहां से निकलने को कहेगी क्यों क्योंकि मेरा और उसका लीगल संबंध क्या है करेक्ट right. तो ये जो जो सिविल राइट्स आपको इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कॉल्डे मैरिज से बाय डिफॉल्ट मिलते वो हमारे पास नहीं है तीस पैंतीस साल अपने पार्टनर के साथ रहो मेरे जिंदगी के सारे सुख दुख उसके साथ शेयर करो और मुझे कुछ हो जाए विल बनाए बिना मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे किसी दूर के ब्लड right. वाले रिलेशन वाले कजिन को चली जाएगी, लेकिन मेरे uh, right. right? चैलेंज तो वो, तो वो भी किया जा सकता right, है कोर्ट right, में right, right, right. मेरे जाने के बाद राइट right? uh, मैं हाउसिंग लोन नहीं ले सकता अरे मैं इंश्योरेंस में अपने पार्टनर को नाम एज ए नॉमिनी नहीं दे सकता तो ये जो सिविल राइट्स की बात है वो हमें आज भी अवेलेबल नहीं है और अगर हम ये कहते हैं कि भारत में हर नागरिक समान है और उसके समान अधिकार है मैं वही टैक्स पे करता हूँ जो आप पे करते हैं मैं सारे अब एज अ भारतीय मेरे जो जो दायित्व है जो मेरी ड्यूटीज़ है मैं ड्यूटीज़ की पहले बात कर रहा हूँ मैं सारी ड्यूटी एज ए इंडियन फुलफिल कर रहा हूँ तो मुझे जो राइट्स मिलने चाहिए एज ए इंडियन बाई द स्टेट वो भी नहीं मिल रहा है और इसीलिए हमें एक सिविल रिकग्निशन ऑफ आवर पार्टनरशिप चाहिए उसको आप मैरिज कहो या ना कहो ये अपने आप की बात है लेकिन इक्वल रिकोगग्निशन ऑफ द सिविल राइट्स नीड्स टू बी गिवन दैट कैन हैपन वेन आवर रिलेशनशिप इज रिकनाइज इन द आईज ऑफ लॉ एंड दैट्स वाई वी हैव अ नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट सेम जेंडर पार्टनरशिप ओके एंड अब मेरे क्वेश्चन का जो एक मूल था सिविल में आपको क्या फीलिंग लग रही है डिफरेंट दी सो वर्ड इज डेफिनेटली मोर एक्से रेंटेड अपार्टमेंट एज अ सेम जेंडर पार्टनर बिकॉज सोसाइटी में नॉट हैव टू लाई राइट वी हैव टू लाई कि मेरा फ्रेंड है मेरा भाई है टू इजी गेट टू गेट इन टू द अपार्टमेंट राइट आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स को फ्लैट मिलना इन हाउसिंग सोसाइटी इट्स सेल्फ इज अ टैबू एंड चैलेंज फॉरगेट अबाउट यू आर गे और स्ट्रीट ऑन टॉप ऑफ इट इफ़ यू आर गे इन इफ़ यू कम आउट एज गे और मेरी तरह जो लाइक यू नो मेरा नाम आप गूगल पे करो और आपको पता चल जाएगा कि मैं समलैंगिक हूँ hmm. तो जो आउट एंड प्राउड एल जी बी टी कम्युनिटी है उनको हाउसिंग मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, difficult है. Uh, तो ये एक समाज में जिस समाज में हम रहते हैं उसमें सोशल चेंज की बात है वो स्लोली आता है पाँच साल पहले जितना डिफिकल्ट था आज शायद उतना डिफिकल्ट नहीं है इन रिच प्रिवलेज सोसाइटी शायद मिलना मुश्किल नहीं हो लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास से आता हूँ ऐसी सोसाइटी में क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा रिच सोसाइटी में घर लेना या रेंट करना exactly, yeah. तो वहां पे आज भी मुश्किल है अगर मैं टायर टू टायर थ्री सिटी में रहता हूँ hmm. तो मुश्किल है या सिटिंग इन मुंबई इट्स वेरी इजी टू इमेजिन समथिंग करेक्ट बिकॉज बहुत सारे लोग इसको एक बैड इन्फ्लुएंस देख लेते हैं Uh, कि ये मेरे बच्चों के साथ रहेगा बहुत लोग के ये ऑब्जेक्शन uh, होते होंगे मतलब uh, एक जो मे मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है अभी आपकी कितनी सही है वो नहीं मालूम जो लोग ये सवाल करते हैं कि गे लोगों को देख के मेरे बच्चे गे बन जाएंगे देखो जी जन्म से ना मैंने एक ही तरह के लोग देखे वो है विषम लैंगिक स्ट्रेट लोग पेरेंट्स से लेके स्कूल से लेके फैमिली में से लेके मूवीज से लेके हर जगह पे मैंने मेल फीमेल कपल देखे हैं और फिर भी मैंने अपने आप को समलैंगिक पाया है राइट क्योंकि मैं समलैंगिक था तो अगर आपका बच्चा समलैंगिक है तो आप कितना भी उसको समलैंगिक के कॉन्वर्सेशन से दूर रखने की कोशिश करेंगे वो अपने आप को समलैंगिक ही पाएगा और अगर आपका बच्चा विषम लैंगिक है तो नो no मैटर आपको उसको गेट टाउन में भी डाल देंगे तो भी वो विषम लैंगिक ही रहेगा क्योंकि ये जो है ये कोई चुनाव की बात नहीं होती है जैसे कि मैंने बचपन में ये नहीं सोचा था कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं लेकिन समलैंगिक बनूंगा बट समलैंगिक अगेन वही है कि इतना पर्सनल चीज़ भी है आफ्टर एट द द एंड ऑफ डे कि वो किसी और का बिजनेस भी नहीं है डे करेक्ट सो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट ये पॉडकास्ट देखिए वो जो ज्ञान प्राप्त करना है आपको एल जी बी टी के बारे में आ, उसके बार, उसके साथ जो आपको एक्चुअली में वॉट डू वी से दर्ड इंग्लिश में एक uh, सदभावना uh, जो एक एम्पथी uh, एम्पथी तो नहीं कर पाएंगे जो लोग हैं बट एक सिंपथाइज भी नहीं बोल रहा बट एक समझने की कोशिश करें टू वर्ड्स या द डिफरेंट आइडेंटिटी बाद में open. आप अपने कुछ स्टेप्स लो या ओपिनियंस बनाओ तो उसमें ज्यादा आई थिंक राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड डेवलप होगा सोसाइटी के अंदर ये जो कम्युनिटी वाली चीज है जब तक राइट पे लड़ा, लड़ाई हो रही है और वो डिमांड हो रही है तब तक ठीक है बट जब वो आइडियोलॉजी का रूप ले लेती है तब आइडियोलॉजी रिजेक्ट की जाती है राइट right. और आइडियोलॉजी रिजेक्ट भी होती है तो फिर वो साथ में लेके चलती है सबको साथ में ऊपर भी ले जाती है या डूबा ले जाती है सो आई थिंक दैट्स वॉट समथिंग एल जी बी टी क्यू व्यूअर्स इफ यू आर वॉचिंग दिस आई एम नो वन टू गिव यू अर लेक्चर ऑन दिस बट लेट्स बिल्ड समथिंग टूगेदर रादर दैन ट्राइंग टू डिमोलिश द Uh, institution and try to only create your version of it same-sex marriage pay uh, we are talking right now um, I think last month or last two months it was a really hot topic the government is somewhere resisting same-sex marriage ka stand so what is the government stand and what is the LGBT community stand? देखिए गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत फनी बात कही उन्होंने कहा कि ये ना सेमसेक्स कॉन्वर्सेशन इंडिक नहीं है तो मुझे इस ख्याल आया कि भाई गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में हिंदुज़म जो डाइवर्सिटी की बात करती है वैविध्य की बात कर दैट इज़ मिसिंग जैनिज़्म जो अनेकांतवाद की बात करता है दैट इज़ मिसिंग वैल्यूज़ ऑफ़ कंपैशन करुणा जो बुद्धिज़्म की है दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग and uh, concept of equality which we learn primarily from sikhism that is also missing all the four major religions born out of india their core values are missing in the indian response and yet government is saying in the supreme court that their response is in line with the indic values so it's so funny uh, but that's just a joke uh, don't take it too seriously mm -hmm. now coming back to the serious conversation uh, what government told in the supreme court is absolutely unfortunate because uh, it's not just about uh, recognition of lgbt rights as i have already mentioned earlier that it's about the rights which i deserve as a citizen so what government is saying essentially is saying that i do not deserve equal rights Government is saying I cannot have a joint bank account. Government is saying that I cannot have a joint insurance. Government is saying I cannot have a hospital visit and rights. Government is saying that I cannot transfer my property to my partner who happens to be from the same gender without making a will, right? All these civil rights are missing today because my relationship with my partner who happens to be from the same gender is not recognized. And that's why we need to talk about LGBT marriages. Or at least some kind of legal recognition of this relationship. I hope governments understands that, and if not, government at least Honorable Supreme Court understands nee, this. But government, what basis? Pe isko kar hai, like I think it's a political more than the social because I think government is thinking again. It is just speculation. I do not. Uh, speak for government. I have never spoken to official authorities on mm. government on this, but it is my speculation that they think that uh, most of their voter base is against gay marriages and that's why they want to protect their uh, voter base. But uh, to be very honest, uh, I think uh, India is much more mature. Uh, Indian voters are much more inclusive and diverse. They are more empathetic and understanding, uh, and it won't be much of a difficult for government to uh, recognize same gender relationship. remember, it is the bjp government in power uh, who told honorable supreme court that as far as decriminalization is concerned, we take it, uh, we leave it to the judgment of the court to decide. wisdom of the court decide. we will not say yes or no. whatever uh, uh, judges want the believe, decriminalization. they were little bit in the support of having uh, i will not decriminalize i will not uh, may uh, cannot speak on behalf of government psyche or thought process because i do not know what i know is what they are putting on paper mm. so i'll talk only facts fact of the matter is they told supreme court let the wisdom of the court decide should it be decriminalized or not we will accept whatever you decide that was their face value uh, uh, opinion and i'll take it on that itself and um, chandrachud ji cgi <laughs> i think uh, uh, they, he talked something about the woman part. Um, was it necessary or um, what does it signify? what does it state for? i the, feel uh, honorable cgi uh, uh lacks the gravitas which requires uh, for a person who is holding that position. Uh, his heart is definitely in the good space. that's what my uh, reading of him is again i do not know him personally uh, but i think he is one of the rare uh, person uh, from the position of power in india who understands diversity of india who understands uh, uh, the need of recognition or expanding the rights within the constitutional framework which is so good and progressive thing to do uh, for a country who wants to be the third uh, largest economy in the world, uh, soon. right soon, who, who is talking about being a Vishwa guru, uh, then you need to also be a liberal, open democracy. Uh, and I think CGI is positively contributing to that from his uh, uh, point of view. However, what is really missing is that he can be triggered very easily. Right. So CGI says that many times what we give comments uh, during the hearing of the court not necessarily reflect our own thought process. He said that in India Today Conclave uh, in an interview. Uh, right. Please do check that out. Very he clearly says that sometimes what I speak is, is just an extension of the uh, person making an argument doesn't mean that it reflects the court's judgment. Uh, right, or sometimes it is just to counter in a way that can we look at the same legal argument from a different perspective and which holds true, right? Whatever that may be, uh, I think uh, CGI lacks the gravitas which the CGI should hold, uh, but and that's why he gets triggered very easily, and then in that because, he makes uh, such kind of statement which creates an issue. The, the way you're saying that it can be misused. बाई द्रिएट साइड ऑफ द आइडियोलॉजी साइड ऑफ दबिंग उसी का ही डर है जो uh, जो वेस्ट में देख रहे हैं होते हुए तो एक तरीके से वो रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर दे एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉमन पब्लिक आई रियली विश दैट टेन have नॉट happened. Uh, it impacted the community negatively uh, but also at the same time uh, there was a very active conversation on LGBT rights on Indian Twitter I am really happy about it which is rarely to see so right any conversation is a good conversation at least yes true <laughs> and uh, I want to end with the last question uh, the pride marches especially the Mumbai pride march um what are they trying to achieve when they show free kashmir or uh, maybe ca against ca or nrc these kind of things which is not at all related to lgbtq why are they doing that as far as mumbai pride is concerned i am part of the organizing committee of mumbai lgbt pride parade since 2010 and uh, as far as I remember, factually there were never a uh, poster free Kashmir in Mumbai Pride. There, was, there are posters of free Kashmir you can find. I think right. it was in Chennai Pride, in Delhi Pride, but not in Mumbai Pride. Uh, yes, there were some incidents in the favor of C A and R C and all of that thing happened in Mumbai Pride. Uh, but irrespective of which wherever it happened, whether it happened in Delhi, Mumbai, Bangalore, or Chennai, wherever, my position is very clear. Uh, again, this is a very personal opinion. Does not I do not speak when I say this on behalf of the official Mumbai LGBT Pride Organising Committee or a whole LGBT community. I just speak my personal opinion, and that is, LGBT rights prides are for LGBT rights. When we talk about all other identities, all other causes, we are diluting the yeah. cause of LGBT rights by ourselves which is unfortunate if you if you personally believe in some other causes if i believe in in that i will come and join for your rally respectfully right that's how it should be but don't like you know when we try to like you know muzzle up so many things in one space in one cause uh, we are doing more harm maybe than taking the rights ahead we are uh, Pushing people away from accepting our own rights when we try to uh, make a toxic political uh, narrative and use pride as a platform for our personal political agendas, which is quite unfortunate and happening in India. Uh, but, uh, okay, so the last follow up question to this is You are in the organizing committee, so you are, I think, the right person to answer this. Why is the Pride march not happening in Mumbai since some years? Uh, well, there was this unfortunate incident in 2019, in which a uh, few people, not officially part of Mumbai LGBT Pride Committee, uh, they just came because Pride is a public event. Remember, anybody can come in right. and we don't have a registration or anything like that. We cannot control who comes and who do not come in. Exactly. Once people come, what they speak, it's beyond our control, right? So some people came in and they started uh, shouting the slogan in the support of Sar Sarjil Imam, hmm. right? Uh, on whom uh, so-called sedition charges are going on uh, allegedly he talked about uh, uh, cutting Assam from the India uh, and all of that North thing which India. I personally do not agree at all and uh, there were people who shooted that video uh, they shouted that uh, and it went viral on uh, Twitter that led to uh, sedition charges filed on the person who raised that slogan and 50 unknown person uh, along with that uh, in the police station nearby the pride venue in mumbai and that case is still going on and after that the covid happened uh, so right so because yeah, of this well, legal conflict then the covid and then trying to find what uh, mumbai pride's identity is all of that created an issue and a vacuum in which pride did not happen but uh, rest assured, next year we are going to have an lgbt pride parade back in mumbai uh, happening, and, and uh, i welcome you and all your viewers to join for the pride. hopefully, uh, hopefully we get to witness it. but uh, hopefully we, what we don't get to witness is nudity and abuse of all, those, of all that platform that is being given to uh, the activists so hopefully that does not happen that will happen when when more and more non left leaning con platforms will proudly talk about lgbt rights they will proudly come to the lgbt pride parade it's so easy for us to be on a twitter and criticize lgbt pride parades saying that this is wrong and that is wrong if you think so i agree yes all of that things are wrong use misusing pride for your personal political agenda but then why don't you come and say that hey there could be a nationalist queer person also you can say that i'm a proud indian and gay i'm proud whatever your Indo, identity yeah. is uh indic identity and gay and i'm here to support lgbt rights purely not uh, uh, because uh, i need to fight somebody else but because i genuinely believe in that right when we have more and more non left leaning lgbt rights

हम और भी आपको आगे बुलाए बिकॉज बहुत कुछ है आपके साथ बात करने के लिए एंड होपफुली द नॉन लेफ्ट साइड ऑल्सो एक्टिवली टेक्स मोर एंड मोर पार्ट एंड हेल्स बिल्ड द नॉन लेफ्ट नरेटिव ऑफ एल जी बी टी विद दैट थैंक यू सो मच एंड नमस्ते थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जय हिंद जय हिंद तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आई एम श्योर आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अच्छे लेवल पे समझ बढ़ गई होगी कि एल है क्या अब इनकी जो कमी है या जो ये स्ट्रगल्स के थ्रू गुजर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपके अभी जो ओपिनियंस रहेंगे या जो बनने वाले हैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा मैटर मिल चुका है सो विद डैट थाट लेट्स मोवाइड एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच